हेलो गाइस वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स हम इस वीडियो में बात करेंगे डेफामेशन के काइंड्स कौन कौन से होंगे और लेबल और सिलेंडर जो उसके काइंड्स है डेफामेशन के इनमें डिफरेंस क्या होगा देर आर टू काइंड्स ऑफ डेफामेशन सबसे पहला काइंड है लेबल ए लेबल इज अ पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स एंड डेफामेटरी स्टेटमेंट इन सम परमानेंट फॉर्म टेंडिंग टू इंज्योर रेपोडेशन ऑफ अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज इन एन एक्शन फॉर लीबल द स्टेटमेंट कम्पलेन ऑफ मस्ट बी फॉल्स परमानेंट इन नेचर एंड पब्लिश्ड विन फील्ड ऑल्सो कंसिडर्ड द लीबल एज डेफामेशन स्टेटमेंट इन परमानेंट फॉर्म इन द केस ऑफ लीबल थ्री आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बूवड दैट द स्टेटमेंट पब्लिश बाई द डिफेंडेंट वॉज फॉल्स दैट स्टेटमेंट वॉज परमानेंट दैट इट वॉज डेफामेट इसमें नॉर्मल सी बात ये है लेबल जो है सबसे पहली बात वो रिटर्न है कि मतलब तो एक्सप्रेस है एक्सप्रेस वे में जो शो मतलब किया जाए जो पढ़ा जाए देखा जा सके वो लेबल होगा और इसमें क्या मतलब इसेंशल क्या चाहिए लेबल के लिए सबसे पहली बात जो स्टेटमेंट हो वो पब्लिश होनी चाहिए और वो स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए और वो परमानेंट इन नेचर होनी चाहिए और वो डेफामेटरी वर्ड्स उसमें यूज़ किए होने चाहिए वो लेबल कहलाएगा अब हम बात करेंगे सिलेंडर के बारे में ए सिलेंडर इज़ फॉल्स एंड डेफामेटरी वर्बल और ओरल स्टेटमेंट इन ट्रांसलेटरी फॉर्म्स इंटेंडिंग टू ज्योर द रेपुटेशन ऑफ अनदर विदाउट लॉफुल जूरिस्टिक्शन और एक्सक्यूज़ यहाँ पर जूरिस्टिक्शन की जगह जस्टिफिकेशन आएगा लॉफुल जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज़ सिलेंडर इज नॉट पर से एक्शनेबल सिलेंडर इज एक् एक्शनेबल वन ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज तो इसमें यह बताया गया जो सिलेंडर है सिलेंडर में भी ये बात चाहिए कि हाँ पहली बात तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होनी चाहिए और वो जो वर्ड्स या स्टेटमेंट यूज़ की जानी चाहिए वो डेफामेटरी होनी चाहिए और ये औरल स्टेटमेंट होनी चाहिए इसमें जो ट्रांस मतलब उसके लिए होगी बोल देते हैं टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी की टाइम के लिए कि मतलब किसी की रेपटेशन को इंजरी वगैरह की है बिना किसी मतलब लॉफुल जस्टिफिकेशन के या एक्सक्यूज़ के तो जो सिलेंडर है सिलेंडर इज़ नॉट पर से एक्शनेबल तो इसका मतलब ये बताया गया जो सिलेंडर है सिलेंडर को मतलब एक्शनेबल वगैरह बिना प्रूफ के नहीं माना जाता सिलेंडर इज़ एक्शनेबल वन ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज तो जो सिलेंडर है सिलेंडर को तब एक्शनेबल माना जाएगा जब कोई स्पेशल डैमेज का कोई प्रूफ वगैरह दिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन लेबल एंड सिलेंडर डेफार्मेशन अब हम बात करेंगे लेबल एंड सिलेंडर डेफार्मेशन में डिफरेंस क्या होगा पोलिंग डिफरेंस आर देयर इन लेबल एंड सिलेंडर सबसे पहले हम बात करें लेबल के बारे में लेबल इज आई रिटन और पब्लिश विच इज अड्रेस टू आई एंड देट कैन बी रीड एंड सीन तो लेबल में यह बताया गया कि वो रिटर्न और पब्लिश होने चाहिए जो मतलब पढ़े जा सकें देखे जा सके अगर हम सिलेंडर की बात करें सिलेंडर के वो होते हैं जो मतलब बोले जा सके या मतलब औरल वे में जो भी हो सके जो मतलब कानों से सुने जा सके या बोले जा सके इन लीबल द डेफामेटरिक मैटर इज इन परमानेंट फॉर्म तो जो लीबल है उसमें जो मैटर होता है वो पब्लिश हो जाता है डेफामेट्री मैटर पब्लिश होने के बाद वो परमानेंट फॉर्म बन जाती है एक तरीके की बट तो जो सिलेंडर है वो डेफामेश सिलेंडर इज इज डेफामेशन इन ट्रांजिट फॉर्म तो मतलब बोलते दे, हैं बोल देते हैं जैसे उसमें परमानेंट फॉर्म है इसमें टेम्परेरी फॉर्म बोल देते हैं लीबल इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस तो जो लिबल है वो सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस दोनों है सिविल रोंग भी है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी है बट जो सिलेंडर है वो जो सिविल रॉन्ग माना जाता है ऑल सिलेंडर इज कैटेगराइज इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल इन इंडिया चाहे मतलब सिलेंडर जो है वो इंडिया के अंदर कैटेगराइज उसको किया गया सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में फिर भी उसको सिविल रॉन्ग समझा जाएगा सिर्फ लिबल शोज ग्रेटर डीलिबेशन लिबरेशन एंड रेज इज सजेशन ऑफ मलाइस बिकॉज इट इज रिटर्न वेर ए सिलेंडर मस्ट मे बी अर्टर्ड इन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड सडन प्रोवोकेशन तो इसमें बताया गया जो लेबल है वो काफ़ी जो मतलब होता है गलत माना जाता है बिकॉज वो रिटर्न में होता है और जो सिलेंडर है वो कम थोड़ा माना जाता है कि हाँ कम एक्शनेबल माना जाता है बोल देते कम गंभीर माना जाता है लेबल इज़ ऑलवेज एक्शनेबल पर्सी एक्शनेबल पर्सी का इसमें मतलब बताया गया है विदाउट द प्रूफ ऑफ एनी डैमेज क्योंकि मतलब जो लेबल है चाहे उसमें कोई डैमेज वगैरह ना हुआ हो कोई प्रूफ वगैरह ना हो चाहे डैमेज हो उसका कोई प्रूफ नहीं है तो भी जो लीबल होगा वो एक्शनेबल होगा वेयर आर सेव इन एक्सेप्शनल केसेज सिलेंडर इज एक्शनेबल ओनली ऑन प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज तो जो सिलेंडर है वो जस्ट तभी मतलब एक्शनेबल होगा जब कोई स्पेशल डैमेज वगैरह हुआ उसका प्रूफ वगैरह दिया जाएगा वेर ऐसा स्पेशल डैमेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड इन इंडिया बट अगर बात करें जो स्पेशल डैमेज है उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर Okay guys, thank you.